रियल एस्टेट में अवसर को आपदा में बदले अरसा हो गया है। अब इस कोरोना काल की प्रतिपदा का कृषि पक्ष और भी ज़्यादा गहरा जान पड़ता है। तैयार इन्वेंट्री में तो कुछ मांग देखी जा रही है, जो पेंडिंग सेल्स थी वो ज़रूर देखी गई हैं, लेकिन जो राहतें दी गई थी हाउसिंग के लिए या रियल एस्टेट सेक्टर में, उसके कारण निवेशकों में कोई रुझान अभी तो नहीं दिख रहा है। दरअसल अर्थव्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा, रोजगार की सुरक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे, अतिरिक्त आय जब तक नहीं उपलब्ध होगी लोगों के पास में, तब तक रियल एस्टेट में पर्याप्त सुधार आना कठिन प्रतीत होता है। हालांकि कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर हैं, लागत और सरकारी करों के अतिरिक्त डेवलपर्स का जो लाभांश है वो तो लगभग नगण्य हो चुका है। अब सरकार राजस्व की कमी के कारण करों को कम कर नहीं सकती है। डेवलपर के सामने चुनौती है कि वो गाइडलाइन की दरों के नीचे बेच नहीं सकता है क्योंकि नियमों से बंधा हुआ है। तो इन सब के चलते जो है रियल एस्टेट की चुनौतियाँ जटिल होती जा रही हैं। कुल मिलाकर हमारे देश का एक बहुत बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर इस समय विपदा में है, और इसको जितनी जल्दी इससे बाहर सरकार निकाल पाएगी, रोजगार उत्पन्न होंगे और जुड़ी हुई जो इससे 300 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं उनके माध्यम से भी रोजगार आएगा और अतिरिक्त आय और तरलता बाजार में उपलब्ध होगी। हालांकि अवैध कॉलोनाइजिंग को हम देख रहे हैं कि वो फल फूल रही है और जो रजिस्ट्रियों की संख्या में थोड़ी बहुत इजाफा देखा जा रहा है, वो अवैध कॉलोनियों के जो रजिस्ट्रियाँ हैं उनके कारण देखा जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।